हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज के इस एमसीक्यूज के सीरीज में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 10 पार्ट 1, जिसमें हम कवर करेंगे थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड बाय थायराइड ग्लैंड। तो कौन से हार्मोन है जो हमारे जिसको हमारा थायराइड ग्लैंड सिंथेसाइज करता है या फिर थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए ट्राई आइडो थायरोइन T3 एंड टेट्रा आइडो थायरोनिन T4। ऑप्शन नंबर बी ट्राई आइडो थायरोनिन T3 एंड कैल्सिटोनिन। ऑप्शन नंबर सी टेट्रा आइडो थायरोनिन T4 एंड कैल्सिटोनिन। ऑप्शन नंबर डी ट्राई आइडो थायरोनिन T3 एंड टेट्रा आइडो थायरोनिन T4 एंड कैल्सिटोनिन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ट्राई आइडो थायरोनिन, टेट्रा आइडो थायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन। बोथ T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, ये तीनों हार्मोन हमारे थायरॉयड ग्लैंड सिंथेसाइज करते हैं या फिर थायरॉयड ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू इज, विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन आयोडिनेशन ऑफ आयोडीन आयोडाइड इन द थायरॉयड ग्लैंड। तो कौन सा एंजाइम हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑक्सीडेशन एंड आयोडिनेशन ऑफ आयोडाइड। जो हमारे आयोडाइड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन और आयोडिनेशन में कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है विच इज प्रेजेंट इन आर थायरॉयड ग्लैंड। ऑप्शन ए थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन और TSH। ऑप्शन बी थायरॉयड पेरोक्साइड पेरोक्सिडेज। ऑप्शन नंबर सी सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर। ऑप्शन नंबर डी थायरोग्लोबुलिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी थायरॉयड पेरोक्सिडेज। जो थायरॉयड पेरोक्सिडेज होते हैं दीज आर द एंजाइम विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन एंड आयोडिनेशन ऑफ आयोडाइड इन द थायरॉयड ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, वेयर डज द कन्वर्जन ऑफ T4 to T3 प्राइमरली अकर। कौन से एरिया में या फिर कौन से ऑर्गन में हमारा जो T4 है वो कन्वर्ट होता है T3 को? थायरॉयड ग्लैंड, लिवर, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर एड्रेनल ग्लैंड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लिवर। लिवर में हमारा T4 to T3 में कन्वर्जन होता है विच इज थायरोक्सिन टू ट्राई आइडो थायरोनिन में कन्वर्ट होता है विच इज प्राइमरली अकर इन द पेरिफेरल टिश्यू। यह हमारे टिश्यू के पेरिफेरी में यानी ऊपर ऊपर वाले पार्ट में पेरिफेरल टिश्यू में कन्वर्ट होता है मेनली इन द लिवर। ये लिवर में होता है मेनली थ्रू द एक्शन ऑफ द एंजाइम आयोडो थायरोनिन 5-DA-आयोडिनेज। क्वेश्चन नंबर फोर इज, विच हार्मोन रेगुलेट्स द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कौन सा हमारा हार्मोन ऐसा है जो कि हमारा थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिंथेसिस और रिलीज को रेगुलेट करता है, जिसके वजह से हमारा थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज या फिर सिंथेसाइज होता है? ऑप्शन नंबर ए थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH। ऑप्शन नंबर बी कैल्सिटोनिन। ऑप्शन नंबर सी थायरॉयड पेरोक्सिडेज या फिर ऑप्शन नंबर डी थायरोग्लोबुलिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या फिर TRH जिसको हम बोलते हैं। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और TRH सेक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस या हमारे हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होता है स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारे हाइपोथैलेमस से हमारा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिंथेसाइज होता है, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है TRH जो के रेगुलेट करता है रिलीज ऑफ TSH। तो यहाँ पे दो हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस TRH या फिर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है जो के रिलीज होने के बाद जो हमारा TSH है यानी थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके रिलीज और या फिर उसके सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर फाइव इज, विच इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायरॉयड हार्मोन। तो हमारे जो थायरॉयड हार्मोन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ऑप्शन ए डायरेक्ट इंटरेक्शन विद सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ऑप्शन नंबर बी इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर या फिर ऑप्शन नंबर डी बाइंडिंग टू द न्यूक्लियर रिसेप्टर एंड मॉड्यूलेशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन। तो कौन सा हमारा थायरॉयड हार्मोन का प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? ऑप्शन ए डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द सेल मेम्ब्रेन, क्या डायरेक्टली जाके सेल मेम्ब्रेन पे इंटरेक्ट करता है या फिर एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है या फिर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के को एक्टिवेट करता है या फिर बाइंड करता है टू द न्यूक्लियर रिसेप्टर बाय द मॉड्यूलेशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी। ये जाके जो हमारे एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करता है। थायरॉयड हार्मोन जाके न्यूक्लियर रिसेप्टर पे बाइंड करता है विच देन मॉड्यूलेट जीन ट्रांसक्रिप्शन। थायरॉयड रिसेप्टर जाके
थायराइड हार्मोन जाके हमारे न्यूक्लियर रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है, जिसके वजह से जो हमारे विच मॉड्यूलेट द जीन ट्रांसक्रिप्शन, जो कि हमारे जीन के ट्रांसक्रिप्शन को मॉड्यूलेट करते हैं बाय बाइंडिंग टू द थायराइड हार्मोन एंड थायराइड हार्मोन रेस्पॉन्स एलिमेंट्स इन द रेगुलेटरी रीजन ऑफ द टारगेट जीन। तो ये जाके टारगेट जीन, जो भी हमारे टारगेट जीन होते हैं उन पे जाके बाइंड करके थायराइड हार्मोन का जो रेस्पॉन्स होता है उसको मॉड्यूलेट करता है। दिस लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। जीन के ट्रांसक्रिप्शन के वजह से हमें जो स्पेसिफिक प्रोटीन बनना होता है उसके सिंथेसिस होती है। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हिच मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज एसोसिएटेड विद थायोअमाइड सच एज मेथिमाजोल एंड पॉलीथायोयुरेसिल। तो मेथिमाजोल और प्रोपाइलथायोयुरेसिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ऑप्शन ए मॉडिफाइंग द टिश्यू रेस्पॉन्स टू द थायरॉयड हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी इंटरफेयरिंग विद द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉयड हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रक्शन ऑफ द ग्लैंड बाय रेडिएशन ऑफ सर्जरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनहिबिशन ऑफ द आयोडाइड ट्रांसपोर्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इंटरफेयरिंग विद द प्रोडक्शन ऑफ द थायरॉयड हार्मोन। ये क्या करता है? जो थायरॉयड हार्मोन का प्रोडक्शन है उसमें जाके इंटरफेयर करता है। तो जो थायोअमाइड होते हैं फॉर एग्जाम्पल मेथिमाजोल या फिर प्रोपाइल थायोरेसिन, ये क्या करते हैं? एट बाय इंटरफेयरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द थायरॉयड हार्मोन, ये जाके थायरॉयड हार्मोन के प्रोडक्शन में ही इंटरफेयर करते हैं, प्रोडक्शन में ही एक बाधा करते हैं या फिर प्रोडक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दे इनहिबिट थायरॉयड पेरोक्सिडेज कैटलेज रिएक्शन। जो थायरॉयड पेरोक्सिडेज कैटलेज हमने पहले पढ़ा था कि थायरॉयड पेरोक्सिडेज जो होता है वो हमारे आयोडाइड्स के ऑक्सीडेशन या फिर आयोडिनेशन में हेल्प करता है, तो उस स्टेप को जाके इनिबिट करता है, उस जो रिएक्शन है उस रिएक्शन के कैटालिसिस को ये इनिबिट करता है, आयोडाइन ऑर्गेनिफिकेशन एंड ब्लॉक द कपलिंग ऑफ द आयोडो टायरोसिन। तो ये जाके जो आयोडीन कपलिंग होता है या फिर कपलिंग ऑफ आयोडो टायरोसिन होता है उनको भी ब्लॉक करता है। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हिच क्लास ऑफ एंटीथायरॉयड एजेंट एक्ट बाय कंपीटिंग विद द आयोडाइड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो कौन सा एंटीथायरॉयड एजेंट ऐसा है जो कि हमारे आयोडाइड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पे जाके काम करता है? ऑप्शन ए थायोहामाइड, ऑप्शन बी आयोनिक इनहिबिटर, ऑप्शन सी हॉर्मोन रिलीज इनहिबिटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी ड्रग डिस्ट्रॉइंग थायरॉयड टिश्यू। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आयोनिक इनहिबिटर्स। तो जो आयोनिक इनहिबिटर होते हैं सच एज परक्लोरेट थायोसियनेट, ये क्या करते हैं? दे एक्ट बाय कंप्लीटिंग विद द आयोडाइड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। देन क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हिच इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग आयोडाइड इन द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। तो कौन सा हमारा एक मेजर डिसएडवांटेज होता है ऑफ यूजिंग आयोडाइड इन द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस? अगर किसी पेशेंट को थायरोटॉक्सिकोसिस हो रखा है और उसमें हम ट्रीटमेंट में आयोडाइड यूज कर रहे हैं, तो आयोडाइड को अगर हम लॉन्ग टर्म यूज करें तो उसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है? ऑप्शन ए रिस्क ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन बी रिस्क ऑफ बोन मैरो टॉक्सिसिटी, ऑप्शन सी रिस्क ऑफ परमानेंट हाइपोथायरोडिज्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी डेवलपमेंट ऑफ आयोडिज्म। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रिस्क ऑफ परमानेंट हाइपोथायरोडिज्म। अगर हम आयोडाइड को बार बार लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते रहे तो फिर हमारा हाइपोथायरोडिज्म होने के चांसेस है। द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग आयोडाइड इन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इज द रिस्क ऑफ परमानेंट हाइपोथायरोडिज्म फॉलोइंग देयर यूज। Then question number 9 is which antithyroid agent is administered orally and emit beta particle to disrupt thyroid follicles? तो कौन से हमारे antithyroid agent ऐसे हैं जिनको हम orally administer करते हैं जो और जो beta particle emit करते हैं to disrupt thyroid follicle? Option A methimazole, option B propyl thiouracil, option C iodinated contrast media, या फिर option number D radioactive iodine। The correct answer is option number D is radioactive iodine। तो जो रेडियो एक्टिव आयोडीन होते हैं हमारे वो एमिट करते हैं हमारे बीटा पार्टिकल्स, जिसके वजह से हमारे जो थायराइड फॉलिकल्स होते हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है स्पेशली आयोडीन 131, इसको हम एडमिनिस्टर करते हैं ओरली, इसको हम ओरल रूट से लेते हैं और वो जाके हमारे बीटा पार्टिकल्स एमिट करते हैं, जिसके वजह से जो थायराइड फॉलिकल्स है वो डिसरप्ट हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं। ये हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म में यूज होने वाला ट्रीटमेंट है।
And question number 10 is, what is the primary effect of iodide in the treatment of thyrotoxicosis? Thyrotoxicosis में iodide का कौन सा main effect होता है? Option number A is inhibition of thyroid hormone release, stimulation of the thyroid hormone synthesis. Option number C is destruction of the thyroid tissue. Option number D is the inhibition of the peripheral conversion of T4 to T3. तो इन सब में से प्राइमरी इफेक्ट जो आयोडाइड का होता है वो कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इनहिबिशन ऑफ द थायराइड हार्मोन रिलीज. थायराइड हार्मोन के रिलीज को ये इनहिबिट करता है. जो आयोडाइड्स होते हैं, द एक्ट बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन रिजल्टिंग इन द रैपिड एंड एफिकेशियस ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस. ये क्या करते हैं ना, जो थायराइड हार्मोन के रिलीज होता है उनको इनहिबिट कर देता है, जिसके वजह से ये बहुत इफेक्टिवली यूजफुल होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस. सो दिस वॉज ऑल गाइज, थैंक यू सो मच. होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा.